मैं बानी सिंह चंद्रवंशी टॉप रिपोर्टर में आप मन के स्वागत करत हूँ। आज हो गए 11 दिसंबर और आज के बड़े खबर में वरिष्ठ नागरिक वाला आयकर विभाग के तोहफा 50,000 तक के ब्याज आय पर लगी टैक्स। आयकर विभाग के वरिष्ठ नागरिक ला बड़ा तोहफा दे हावे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड हा कही की वरिष्ठ नागरिक ला ब्याज से होने वाला 50,000 रुपया से कम के आय में टैक्स नहीं काटे जा सकते। 6 दिसंबर के दिए आदेश बोर्ड हा कही की इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 194A के अनुसार वरिष्ठ नागरिक 50,000 से ज्यादा के ब्याज से होने वाला आय में टैक्स देना हुई। अगले बड़े खबर आवत है विधानसभा चुनाव 2018 के परिणाम लाइव अपडेट्स। राजस्थान के कांग्रेस ला बढ़त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़ा टक्कर। राज्य मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान तेलंगाना मिजोरम में हो विधानसभा चुनाव 2018 के लिए मतदान के गिनती हो चुके हावे। ये राज्य के परिणाम ना लोकसभा चुनाव 2019 के सेमीफाइनल भी कहे जावा थे। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में 12 और 20 नवंबर के मतदान करवाए गए है जबकि शेष चारों राज्य में एक एक चरण में 28 नवंबर और 7 दिसंबर के मतदान कराए गए हावे। अगले बड़े खबर केवल 1100 रुपए में घर ले जावा नवा एक्टिवा S5 कंपनी है निकाली खास ऑफर। अगर आप ही एक्टिवा के नवा मॉडल एक्टिव S5 खरीदे के सोचा था तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल साल खत्म होए के अवसर में कंपनी केवल 1100 रुपए में आप मल्ला मन पसंद गाड़ी घर लाए के मौका दे थावे। अगर आप भी 1100 रुपए में डाउन पेमेंट पर एक्टिवा लाना चाहता था तो आप ऑनलाइन बुकिंग भी करवा सकते हो। एक लिए आप कंपनी के साइट में जाकर 1116 रुपए के डाउन पेमेंट ऑप्शन चुन सकते हो जेमे आप ला बाकी के पेमेंट के पूरा डिटेल भी मिल जाएगी। अगर आप मला ऑफर आपके बजट के मुताबिक लगत हावे तो आप ये ला बुक करवा सकते हो। अगला बड़े खबर कार या मकान पर देना हो ही ज्यादा EMI SBI है बढ़ी ब्याज दर। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक का ब्याज के दर बढ़ा दे हावे। नवा ब्याज दर आज से ही प्रभावी हो गए है। अगर आप मन SBI के होम लोन या कार लोन ग्राहक हो तब आप मासिक भुगतान बढ़ जाएगी। बैंक न सिर्फ मार्जिनल कास्ट बेस्ड लेंडिंग रेट बढ़ोतरी कर ही बल्कि रेट और बेच मार्क प्राइम लेंडिंग रेट में भी इजाफा करे हावे। SBI के ये कदम के बाद अन्य बैंक भी अपन ब्याज दर में इजाफा कर सकते। SBI है बेस रेट और बेच मार्क प्राइम लेंडिंग रेट में भी 10 दिसंबर से इजाफा करे हावे। बैंक का प्राइम लेंडिंग रेट 13.75% से बढ़ा के 13.80% कर दे हावे। अगले बड़े खबर मोदी सरकार है लाखों कर्मचारी ला 30 बड़े तोहफा। साल से रही इंतजार वित्त मंत्री है करी घोषणा। मोदी सरकार है आम चुनाव से पहली करोड़ों कर्मचारी ला बड़े सौगात दे हावे। कई राजनीतिक और आर्थिक विश्लेषक हा मोदी सरकार द्वारा बड़े संख्या में वोटर ला आकर्षित करे पर फेंके गए तुरूप के इक्का माना थे। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली है सोमवार के यानी आज नेशनल पेंशन स्कीम में कई बड़े बदलाव के घोषणा करे हावे। केंद्रीय के बी नेट है नवा पेंशन स्कीम में 5 बदलाव ला मंजूरी दे हावे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नवा पेंशन स्कीम ला ईई के दर्जा मिली मतलब ये बिल्कुल टैक्स फ्री रही। NPS में किए गए ये बदलाव अगले वित्त वर्ष से लागू हो ही। मोदी सरकार के ये घोषणा से प्रथम चरण में 37 लाख केंद्रीय कर्मचारी ला एक लाभ मिली। सरकार है NPS में योगदान 4% बढ़ा के मूल वेतन के 14% कर दे है। वर्तमान में सरकार तथा कर्मचारी के योगदान APS में 10-10% निर्धारित है। NPS में कर्मचारी के न्यूनतम योगदान 10% बने रही। एक लिए आयकर कानून के धारा 80C के तहत कर छूट ला भी मंजूरी दे दे है। रिटायरमेंट के बाद निकाले गए 60% के राशि ला टैक्स फ्री कर दे है जेहा फिलहाल 40% ही है। एकर मांग कर्मचारी है लंबा समय से करत है। सरकारी कर्मचारी के कुल फंड में से 60% ट्रांसफर करिए निकालने के मंजूरी दे है। जे हा वर्तमान में 40% के कर्मचारी ला एकर बड़ा फायदा मिली वो अधिक रकम के उपयोग करे में सक्षम होही। अगले बड़े खबर मुकेश अंबानी है खोलने वाला है ये 7 नवा कंपनी हैली जियो के कारोबार। मुकेश अंबानी है रिलायंस इंडस्ट्री 10 और हैथवे केबल नेटवर्क में हिस्सेदारी खरीदे के बाद तेजी से बढ़ा दूरसंचार और कंटेंट कारोबार संभाले बर 7 सहायक कंपनी के निर्माण करे हावे। न्यूज वेबसाइट के रिपोर्ट के अनुसार ये सहायक कंपनी जियो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग्स, जियो इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग, जियो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग्स और जियो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग और जियो डिजिटल केबल को प्राइवेट है। रिपोर्ट के अनुसार जियो से जुड़े एक अधिकारी है कि इसकी ये सहायक कंपनी केबल सेवा
के वितरण इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रसारण ब्रॉडबैंड इंटरनेट वायरलेस डेटा और होर्डिंग सेवा के कारोबार ल संभाली। विश्लेषक मन के कहना है कि नवा सेटअप कंपनी RIAL अपन दूर संचार और सामग्री व्यवसाय के विभिन्न हिस्सा ल कुशलता से चलाए में मदद करे। अगला बड़े खबर, RBI के गवर्नर उर्जित पटेल निजीकरण ल हवाला देते हुए दिस इस्तीफा। RBI के गवर्नर उर्जित पटेल इस्तीफा दिस है। पटेल अपन इस्तीफा के पीछे निजी वजह बताई। हालांकि कहे जात है कि गवर्नर उर्जित पटेल और केंद्र सरकार के बीच कई मुद्दा में मतभेद और तनातनी की स्थिति हावे। हालांकि पिछले दिन RBI के बोर्ड बैठक के बाद खबर आ रही है कि सरकार और उर्जित पटेल के बीच चीज ठीक हो गई हावे, लेकिन सोमवार के अचानक इस्तीफा दे दी। उर्जित पटेल अपन बयान में कही कि मैं व्यक्तिगत कारण के वजह से तत्काल प्रभाव से अपन पद से इस्तीफा देवत हूँ। अगला बड़े खबर, कैंसर पर रिसर्च करे पर मिली 47 करोड़ रुपया के इनाम। भारतीय मूल के अमेरिका नागरिक डॉक्टर अरुण चिन्नैया अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन मेडिकल स्कूल के ट्रांसलेशन पैथोलॉजी विभाग में प्रोफेसर है। हाल ही में कैंसर बायोमार्कर तैयारी किए है। कैंसर जैसे घातक बीमारी के समय राहत पहचान कर टारगेटेड थेरेपी ठीक किए जा सकते। आविष्कार के लिए US नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के ओर से 6.5 मिलियन अमेरिका डॉलर की राशि इनाम के तौर पर मिली। ये रकम से वह रिसर्च आगे बढ़ाई जेन एला 7 वर्ष में मिली। अगला बड़े खबर, रेडमी नोट 6 प्रो अब ओपन सेल में मिली 4 कैमरा वाला यह फोन। Xiaomi ला लेटेस्ट नोट सीरीज स्मार्टफोन रेडमी नोट 6 प्रो खरीदे के इच्छुक ग्राहक पर एक अच्छा खबर है। रेडमी नोट 6 प्रो ला 12 दिसंबर के ओपन सेल में उपलब्ध कराए जाही। चीनी कंपनी सोमवार के ये घोषणा करे है। फोन के सबसे अहम खासियत है कि एमा 2 रियर और 2 फ्रंट कैमरा है। यदि दिला दे रेडमी नोट 6 प्रो स्मार्टफोन पिछले महीना नवंबर में लॉन्च हो रही एंड से 2 रैम व स्टोरेज वेरियंट में आते। Xiaomi इंडिया के रेडमी इंडियन ट्वीट अकाउंट में सोमवार के जानकारी दे है कि रेडमी नोट 6 प्रो ओपन सेल में मिली स्मार्टफोन के बिक्री बुधवार 12 दिसंबर दोपहर 12 बजे से शुरू हुई हैंड सेल फ्लिपकार्ट और MI.com पर मिली। अगले बड़े खबर, विजय माल्या भारत लाए जाही। कोर्ट मंजूरी दी इस मामला सरकार ला रेफर करी। वेस्टमिंस्टर अदालत सोमवार के फैसला दिए है कि भगोड़ा शराब कारोबारी विजय माल्या ला ब्रिटेन से भारत प्रत्यर्पित किए जाए। जज एम्मा आरबुट नाट कही की पहली नजर मा माल्या के खिलाफ धोखाधड़ी साजिश रचे और मनी लॉन्ड्रिंग के केस बना थे। अदालत कही की मामला अब ब्रिटिश सरकार भेज दे हावे। फैसला से पहली कोर्ट पहुंची माल्या कही की मैं रुपया लौटाए के प्रस्ताव दे हावो, यहाँ झूठा नहीं है। मोर ये ऑफर के प्रत्यर्पण से कोई लेना देना नहीं है। मैं किंगफिशर एयरलाइन ला बचाए पर अपन 4,000 करोड़ रुपया एमा लगाए हावो। अगला बड़े खबर, 12,000 रुपये में मिली कुंभ मेला में लग्जरी सुविधा। अगर आप ये साल प्रयागराज कुंभ में जाए के प्लानिंग करत हो तो कुंभ नगरी मिलने वाला लग्जरी सुविधा के लाभ उठा सको। जनवरी में शुरू हुए कुंभ मेला में आप मन ला एक से बढ़कर एक लग्जरी सुविधा मिली। कई कंपनी है ये बार कुंभ मेला में लग्जरी टेंट के सुविधा देने वाला है। दिल्ली के कंपनी हितकारी प्रोडक्शन एंड क्रिएशन लग्जरी सुविधा देवत है। हितकारी कुंभ नगरी में इंदिरा प्रस्थानम नाम से लग्जरी टेंट लगावत है। एकर एक रात के किराया है 35,000 रुपया। कुंभ नगरी सिर्फ लग्जरी सुविधा के ही नहीं बल्कि हर बजट में टेंट सुविधा उपलब्ध है। दिल्ली के कंपनी आगमन इंडिया भी कुंभ नगरी में टेंट लगावत है। इलाहाबाद के लालू जी ब्रदर अपन कल्प वृक्ष टेंट सिटी में 35,000 रुपया प्रति रात किराया वाले टेंट के सुविधा है। एकर अलावा आप मल्ला डार्म स्टाइल बेड की भी सुविधा मिली। एकर किराया प्रति रात 650 रुपया होगी। ऐसा न्यूज पर टॉप रिपोर्टर ला सब्सक्राइब करो। आप मला ये न्यूज अच्छा लगी, ये वीडियो अच्छा लगी तो अपन दोस्त मन के साथ जरूर शेयर करो। और एकर साथ अगर आप मन के पास अच्छा वीडियो या जानकारी है तो कमेंट कर हमला जरूर बताओ। राम राम।